हे गाइस, स्वागत है मेरा एक और नए व्लॉग में। तो आज हम लोग जा रहे हैं उसी जगह पे जहां हम लास्ट टाइम जाने वाले थे। फाइनली आ चुका है आधे घंटे के बाद। निशान भाई की भी कॉल अभी आ रही है। निशान भाई भी कॉल कर रहे हैं अभी। कहां है? कॉल कर रहे, फोन पे है वो। ओ, बोल दे आगे बस। तो फाइनली कितनी बार भाई प्लान कैंसिल हुआ इस जगह का? इसका मेरे को भी नहीं पता, गिनती नहीं करनी चाहिए कभी भी। तो कई बार इसने मना किया है, कई बार मैंने मना किया, निशान भाई ने एक बार ही मना। फाइनली गाइस हम लोग पहुंचे सूरजपुर निशान भाई को लेने के लिए। अब निशान भाई बोल रहे कि हम अभी तैयार हो रहे हैं। हमने टाइमिंग रखी थी 9 बजे की, साढ़े नौ की टाइमिंग रखी थी। यहाँ हमें पता था कि हम लेट होने वाले, हर बार का मतलब यही है। हम वहाँ से आते हैं ये क्या ऐसा क्या है? और मुझे जानता है यार। तो हमने टाइमिंग रखी थी 9:30 बजे की, क्योंकि हमारे ना रिकॉर्ड खराब है। हमेशा हम जहाँ भी जाते हैं हम वहाँ से लेट ही आते हैं। और ऊपर से जब हम यहाँ से जाते हैं तो लेट जाते हैं, लेट ही आते हैं। हाँ, तो इस बार हमें धीरे ना बोलना करते। तो इस बार हमें हमने टाइमिंग थोड़ी सी चेंज कर ली थी। तू ही बोल ले ना, ना कैमरा पकड़ ले, सही बोल ले, बोल ले, तू ही बोल ले भाई। मैं तो और भाइयों ठीक ठाक, मैं तो बस एवा ही हूँ ना यहाँ पे। मैं तो एवा ही हूँ, मैं तो यार मैं तो पता नहीं कहाँ से मुझे ये फोन मिल गया था रास्ते में, मैं उठा के कैमरा ऑन कर लिया था, है नहीं। तो गाइस हम जाने वाले हैं इस बार दो जगहों पे घूमने के लिए। तो हम जा रहे हैं देहरादून बुद्धा टेम्पल, जहाँ पे हमारा 3 से 4 बार का प्लान हमारा कैंसिल हुआ है। 3 से 4 पता नहीं कितनी बार हमने प्लान बनाया और कितनी बार हमने प्लान कैंसिल किया, लेकिन इस बार फाइनली प्लान हमारा पक्का हुआ है। वैसे तो हमारा प्लान था आज के दिन मूवी देखने का प्लान था, मतलब सलमान कौन सी क्या नाम था मूवी का, ओ केदा भाई केदा प्रा, किसी का भाई किसी की जान मूवी देखने का प्लान था। लेकिन बस वही है ना कि हम टाइम पे रहते नहीं है, हम हमेशा लेट होते हैं हर जगह पे। हमारा नाम रिकॉर्ड सब खराब है, हमेशा लेट पहुंचने का। तो मैंने बोला था भाई इनको कि मूवी लगेगी 1 बजे करीब, तो थोड़ा टाइम पे चलेंगे जब। और रास्ता है हमारा 2 घंटे का, मूवी थिएटर तक पहुंचने का रास्ता था 2 घंटे का। अब 2 घंटे में यहाँ से हम लेट ही निकलते हैं तो वहाँ पे हमारी मूवी मिस हो जाएगी। तो मैंने बोला कि भाई छोड़ो परे, मूवी हम कभी और देखेंगे, अभी हम जाते हैं बुद्धा टेम्पल, जो हमने 3 से 4 बार प्लान कैंसिल किया था। हम वही गाइस हमें मिल चुके परमिशन, मतलब हम लंबी ट्रिप मार रहे तो उसके लिए परमिशन चाहिए होती है, क्योंकि इस बाइक का नंबर प्लेट नहीं है। तो हम जरा परमिशन निकलवाने आए थे यहाँ पे, तो हमें परमिशन मिल चुकी है। इतना मतलब हम लंबे लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो रास्ते में चलान होने का डर है, तो इसलिए हमने यहाँ से अभी यहाँ पे इनके पास आए थे कि भाई थोड़ा कुछ आईडी लगाओ ताकि हमारा चलान ना हो, तो उसके लिए हमें परमिशन मिली है। अभी हम निकलते हैं डायरेक्ट। हे गाइस, फाइनली आ चुके हम बुद्धा टेम्पल। नहीं होगा तो यहाँ लेट जिए, हाँ लेट जाना भाई। तो फाइनली हम आ चुके बुद्धा टेम्पल, वैसे देखने में बहुत खूबसूरत है। निशांत भाई कैसा लगा आपको बुद्धा टेम्पल? नाना मेरे को बढ़िया लगा दिया, अभी देखा ही नहीं है फिलहाल। किसी को बहुत जोर से बाथरूम आ रहा है, इनको पहले बाथरूम में आ रहा है। तो ये है इसकी, वाओ पागल पागल। तो फाइनली गाइस हम जा रहे हैं दूसरे प्लेस पे, देखने लायक तो बहुत कुछ है यहाँ पे, यहाँ देखने लायक तो बहुत कुछ है। तो फिलहाल हम यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं, आपको पूरा वीडियो में दिखाऊंगा, वैसे तो बहुत अच्छी जगह है ये। सो भाई क्या बात है, इसे चेक करो यार, इतनी बड़ी स्टैचू, मजा आ गया। यहाँ पे सब बढ़िया है, लेकिन ना सर पे कुछ ज्यादा ही कीड़े लग रहे हैं यार, इस एरिया में सर पे ना बहुत ज्यादा कीड़े मंडरा रहे हैं। हमारा चल ही रहा है फोटोशूट, चल ही रहा है हमारा कैमरामैन, ये है 2 in 1 है, हमारा कैमरामैन भी है साथ में हमारा ड्राइवर भी यही है। और ये हमारे बैंक जो हर जगह हमारी पेमेंट कराते हैं यार। तो बहुत बड़ा एरिया है, मैं तो मान लूंगा आप यहाँ आओ और फोटो खींचो, एक से एक बढ़िया प्लेस है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, आप भी यहाँ पे आओ। हम यहाँ पे एक आल्टो, सॉरी यहाँ पे क्या है, मर्सिडीज, हम यहाँ पे एक मर्सिडीज दिखी है ओल्ड। हाँ लैंग्वेज बड़ी अच्छी तगड़ी है, हिमाचल की, यहाँ पे नंबर प्लेट तो हिमाचल चढ़ी हुई। ऐसा क्या है भाई जैसे शोरूम में रखा हुआ है, ऐसा क्या है जो शोरूम में एग्जॉस्ट, ऐसा कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल आल्टो लग रही है मुझे तो, ये सब तो नॉर्मल ही है भाई, तो नॉर्मल गाड़ी लग रही मुझे। तो इसके अंदर ऐसा क्या है,
इसका इंटीरियर देखेगा ना तो अंदर का सारा तेरे को ओल्ड मॉडल मिलेगा, सब पुराना है, गाड़ी पुरानी है, बहुत पुराना मॉडल है। सही में यार मजा आ गया फिर। शर्म कर ले, बच्चे को पता है तेरे से ज्यादा। इसमें तो फोटो भी लगी हुई है, इसमें कोई बंदा, हाँ फोटो लगी हुई है बंदा मोहंग की फोटो लगी हुई है बैठे हुए की, मोहंग की फोटो लगी हुई है अंदर बैठे हुए की। ओ माय गॉड, मूर्ति के नीचे कूल, लेकिन कीड़े बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा कीड़े लग रहे हैं। मधुमक्खी, हद से ज्यादा कीड़े, मधुमक्खी छत्ता शायद भी गाना। तो फाइनली गाइस, 3 से 4 बार बाथरूम जाने के बाद बार बार मेरे, कभी मेरे बालों में कीड़े लग रहे, कभी मेरे हाथ से कीड़े मर रहे, बार बार बाथरूम चक्कर काटने के बाद, एक पानी की बोतल लेने के बाद मैं फाइनली यहाँ आया हूँ। यहाँ पे आने से ज़्यादा ना मैंने बाथरूम चक्कर ज़्यादा खाए, कभी बालों की वजह से, कभी पानी की वजह से, कभी हाथ गंदे हो रहे, कभी यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही चीज़ देखी है कि बाथरूम क्या है भाई। तो फाइनली गाइस, हम आ चुके उसी जगह पर जो बुद्धा टेम्पल की सिग्नेचर मार्क वो है। इसे घुमाएंगे क्या? चलो घुमाते हुए चलो। स्टार्टिंग से लिखा हुआ है, स्टार्टिंग से करना। चलो लेफ्ट हैंड से, राइट मतलब राइट से, और क्या होगा? पढ़ लो, आगे पढ़े लिखे हो ना। चल रहा उधर को देख क्या होंगे, कहा है भी ना? हाँ भाई पूरी होगी, इतना तो कितना लंबा है, चलो निशान भाई देख लेंगे, हम करते हुए चलेंगे, करते हुए चलेंगे, हम करते लो निशान भाई। चस्का सा खत्म होगा, हाथ दुखने लगी, हाथ में दर्द। आशीर्वाद दे रहा तुझे। हाँ आशीर्वाद दे रहा, पूछ लिया पूरा भी होगा या नहीं, क्या करना है इसका? वैसे वही तो मेरे को भी समझ आया जो तुझे देख नहीं जा रहा, वही तो मैं सोच, नहीं भाई स्टैचू है यार, बढ़िया है। बस चंपा अभी जा रहे हैं, तो इधर भी थे, अभी हम जा रहे हैं, यही खत्म हो रहा है। ये तो पूरा राउंड एंड राउंड है, नहीं तो पूरा राउंड गोल घूम के यहीं आ रहा है ना, ये तो पूरा घूम के आ रहा है, और क्या भाई, पूरा घूम के जा रहा है ना, पूरा आगे तक जा रहा है। अरे मुझे क्या पता, आदिवासी से दिख रहे, आदिवासी मुझे तो वो भी नहीं दिख रहे, क्या पता फीलिंग सी आ जाए, ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती। बड़ा भाई क्या आए हो? आगे चल के पूछे भाई, इतनी दूर से आवाज। अच्छा मतलब मीनिंग चढ़ भी सके, करना क्या इसका, पहाड़ किस लिए बनाए हुए है? बुद्धिस्टों लोग ने बनाया है पूजा करने के लिए, इसके अंदर कुछ मंत्र को जाप करते हैं, पूजा करते हैं, ये झंडा उन लोग का है बना हुआ। अच्छा जैसे वो हमारे बाबा पुरुषा, वो मतलब साधना करने के लिए, वो जो अपना तपस्या करने के लिए। अच्छा वैसे ही चलो, या तो गेट अच्छी बात है, रहने दो। चेक करो यार ये पार्क की गली, क्या बात है यार, वैसे तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है वैसे तो, ये कीड़े भी बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, कीड़े बहुत चल रहे। तो जा ना, मैंने रोका तुझे। गाइस तो फाइनली बुद्धा टेम्पल से हम वापस आ रहे, और क्या नाम था उस जगह का, FRI, वहाँ तो हमें एंट्री मिली नहीं क्योंकि वहाँ पे कुछ पेपर वगैरह चल रहे थे उनके, तो वो बोलते कि इस आज हमारी एंट्री नहीं होगी, तो हम अभी निकले पोंटा के लिए। हमने छोटा सा ब्रेक लिया है क्योंकि हमारी हालत ख़राब हो गई थी, मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इनकी तो हुई नहीं लेकिन मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। बताओ कैसे हो गई थी हालत ख़राब? पूरे रास्ते में सीख गए, टंकी पे चढ़ के बाइक चला रहा हूँ मैं, सीट इतनी बड़ी लेकिन मैं टंकी पे चढ़ रखा हूँ। ज़रा मैंने अपने बंदे को बोला है सामान सुमून खाने पीने का कुछ जुगाड़ करने के लिए, तो वही करने गए। मिलते खाने पीने के बाद, मैं मिलता हूँ आपसे एक और स्टॉप पे, एक और जगह ब्रेक लेते हैं आपको, वहाँ मिलते हैं। हे गाइस तो फाइनली हमारा खाना पीना आ चुका है, मतलब हमने वहाँ पे स्टॉप लिया था सामान खरीदने के लिए, यहाँ स्टॉप लिया है खाने पीने के लिए। आप पोंटा में स्टॉप लेंगे, वहाँ भी खाने पीने के लिए स्टॉप लेंगे, यहाँ पे बैठ के मस्त खत्म हो जाएंगे। इस छांवसी में मजा आ गया, सब खत्म खा के पी के सब ओके है। कैसा लगा भाई, ठीक था? खत्म हो जाएगी चॉकलेट में से। तो गाइस मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि पिछले एक हफ्ते से मैं अपने घर से बाहर नहीं लेता था, एक हफ्ते से निकले नहीं है नाइन, बहुत गाइस बहुत बुखार जुखाम सा हो गया था, मैं घर से उठ नहीं पाया था, मतलब घर पे ही रह गया था, मैं पड़ा हुआ रह गया था घर पे। सके जी एक हफ्ते से रोज माइंड फ्रेश होने के लिए निकलता था यार, कोई तो अच्छी बात बोला कर। तो फाइनली आज निकला हूं मैं, तो बस एनर्जी लो, बस
क्या बताएं, अभी जा रहे हैं पोंटा में, पोंटा में जाके हम फोटो खींचेंगे, हम पोंटा में पोंटा में हम फोटो खींचेंगे, पोंटा में जाएंगे, थोड़ा पोंटा में घूमेंगे। जैसे तुम्हें देहरादून घूम ही लिया है, हमारा तो दो प्लान था कि दो जगह घूमेंगे, लेकिन हम एक ही जगह घूमे अभी तक, लेकिन अब हम पोंटा में भी जाके घूमेंगे। और पोंटा मतलब कैमरा लिया है तो शाम तक के कैमरा लिया, पूरा शाम पूरी शाम तक वसूल करेंगे, 600 रुपये दे रखे कैमरे के, पूरे कैमरा वसूल करेंगे। तो अभी फोटो चल रही, फोटो शूट चल रहा है अपना, फोटो शूट के बाद निकलते हैं, हम आपसे मिलता हूँ पोंटा में। फाइनली फोटो हमारी चालू हो चुकी है और पहली बार से मुझसे ठीक तारीफ निकली है मेरे लिए, इसने तारीफ करी मेरे लिए, पहली बार लग रहा है ना जिंदगी, पहली बार तारीफ करी मेरे नाम की। उन्हें बैग में डाल ले, कैमरा बैग में डाल ले, अभी हम जा रहे हैं पोंटा, निकलते हैं यहाँ से। पोंटा में भी हमारा कुछ थोड़ा सा छोटा मोटा प्लान है, पोंटा में भी निकलते हैं। फाइनली गाइज हम आए थे यमुना पार्क, यमुना पार्क में हमने छोटी सी पार्टी करनी थी, वो पार्टी हमने की, यानी हमारा फेवरेट प्लेस डैम पे हम हमेशा करते हैं पार्टी। तो अभी हम फोटो आए, यहाँ भी फोटो खिंचाएंगे, जब पैसे दिए तो हम पूरी फोटो खिंचाएंगे यार। तो हम पहले इस यमुना पार्क में और उसके बाद हाँ तो उसके बाद हम जाएंगे ऊपर वाले पार्क में। तो पहले मैं जरा इसकी सुन लूँ, कुछ बोल रहा मुझे फोटो वगैरह करने के लिए, उसके बाद में मिलता हूँ आपसे। तो फाइनली गाइस हमारा चल रहा है फोटो शूट, हम यहाँ पे मतलब कैमरा लेके आए, थोड़ा फोटो शूट कराएंगे, मैंने अपना फोटो शूट कराया है अभी, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखो यार जाके कि मतलब कैसी कैसी फोटो खिंचाई है। तो अभी हम पहले यहाँ पे फोटो खिंचाएंगे इस पार्क में और उस पार्क में भी। वैसे आई थिंक हमने ये कैमरा नया लिया है, आप कमेंट करके बताओ कि ये चश्मा कैसा है, कि लास्ट ट्रिप पे हमारा त्रिलोकपुर वाली जो ट्रिप थी उससे हमारा एक चश्मा भी टूटा था, ऊपर से वो सेल्फी स्टिक भी टूटी थी, दोनों चीज़ टूटी थी, मोटा खर्चा हुआ था पिछली बार, मतलब जितना हमारे जाने के लगे थे उससे तो हमारा सामान का ही नुकसान हो गया था। तो मैंने ये अभी नया लिया है देहरादून से, तो आप कमेंट करके बताओगे कि चश्मा कैसे लग रहा है। वैसे तो इसमें मैं अंधा लग रहा हूँ, लेकिन ठीक है यार, फोटो खिंचाने वास्ते कुछ भी चलता है। तो हमने कैमरा लिया है, फोटो खिंचाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे बहुत सी जगह, अभी हम जाएंगे, मैं आगे दिखाऊंगा आपको कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा यार कि ये व्लॉग मैं ऑलमोस्ट 2 संडे के बाद डाल रहा हूँ, मतलब मेरे हर व्लॉग हर संडे आता ही था, लेकिन ये व्लॉग भाई बहुत लेट हो गया क्योंकि मैं अलग गया हूँ 9 to 5 की जॉब पे, अब मुझे अपने जॉब का भी देखना पड़ता है, ऊपर से मुझे संडे व्लॉग ही बनाना पड़ता है, क्योंकि यार मैं ऐसा बंदा तो नहीं हूँ कि मैं पैसे खर्च करते रहूँ और ये भी पैसे नहीं है, तो मैं अब जॉब भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे स्कूल तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, लेकिन क्या कहूँ यार, दोस्तों की याद तो बहुत आती है, वो स्कूल के जो दोस्त हैं उनकी याद आती है, स्कूल की बहुत याद। बस अब जॉब पे लग गए तो वही है, बाकी देखते क्या होता आगे। फिलहाल तो मैं आया हूँ बाइक लेने के लिए, कि ऐसे सुनसान जगह पे बाइक खड़ी नहीं करनी चाहिए कभी भी। तो हम परली चले गए थे, परली साइड, और बाइक यहाँ खड़ी थी, मैं घूम के आना पड़ता है, इससे अच्छा मैं बाइक ले जाता हूँ, वो दोनों ऊपर फोटो शूट कर रहे हैं, मैं बाइक ऊपर ले जाता हूँ और ऊपर भी हम सब मतलब पूरे पोंटा में जितने भी पार्क पूरे का जितने पार्क है सबकी फोटो लेंगे। और ये व्लॉग मैं जल्द ही अपलोड करूंगा, मतलब मैं जॉब भी कर रहा हूँ तो साथ में मुझे एडिट भी करना पड़ेगा, कोई मैं जल्द ही एडिट करके जल्द ही अपलोड करूंगा क्योंकि अभी भी, और बाकी आप देखते रहो क्योंकि अभी तो भाई धूप तो निकली भी है तो हमारे पास बहुत टाइम है अभी, ऑलमोस्ट अभी मेरे ख्याल से 5 बज गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, भी हम 7 बजे तक अंधेरा होता है तो हम 8 बजे तक आराम से मतलब जितना भी हम सारे घूम घाम के फोटो वगैरह करा के मैं जल्द ही अपलोड करूंगा ये व्लॉग। बाकी मैं बाइक लेके जाता हूँ ऊपर उनके पास, मैं ऊपर जाके मिलता हूँ आपसे। गाइस फाइनली 2 साल बाद हम इसी रूट पे आ चुके हैं, लास्ट टाइम हम यहाँ आए थे तब कैमरा लेके, तब जब हम पंजाब जा रहे थे, जब हम पंजाब गए थे यानी अमृतसर का ट्रिप मारा था हमने, उस टाइम यहाँ पे आए थे और रिक्शे के साथ फोटो ली थी, और उस टाइम मैंने इस बंदे की फोटो चेतन की इतनी कैट फोटो खींची थी ना भाई, क्या बताऊँ। तो फिर से इतिहास अपने आपको जोड़ा रहा है, हम उसी रोड पे आ चुके हैं, लेकिन हम अभी थोड़ा उजाले में आए, उस टाइम तो हम रात को 10-11 बजे करीब आए थे क्योंकि हमें पंजाब को रात को ही निकलना था, यहाँ से हमने रात की ट्रिप मारी थी। तो ऐसा नहीं कि हम पंजाब की ट्रिप दोबारा नहीं मारेंगे, हम पंजाब की ट्रिप दोबारा मारेंगे, दिखाएंगे आपको। तो फिलहाल यहाँ पे दूसरे बंदे ही फोटो शूट कर रहे हैं, वही रोड वही प्लेस और वही शेर, तो लेंगे यार हम यहाँ भी फोटो शूट लेंगे। हे गाइस तो फाइनली आ चुका हूँ मैं पूरा घूम घाम के घर, आप देख सकते हो अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, बस वही टाइमिंग अपनी रात को आना, मतलब सुबह जाना और रात को आना घूम फिर के। तो अभी तो मैं भी घर जाऊंगा, पहले तो घर पे सब मतलब चेंज करूंगा, मैं ब्लॉग तो अभी एडिट ही करूंगा, लेकिन मैं फोटो अभी एडिट करके अपलोड कर दूंगा। तो बाकी आप इंस्टाग्राम पे जाओ चेक कर लो, मेरा नाम मेरे इंस्टाग्राम पे आईडी है रजनीश राय 321, इस नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप जाके सर्च मारो और देखो, मैं सारी अपनी जितने भी घूमने फिरने की वीडियो फोटो वगैरह शॉर्ट्स वीडियो है वो मैं वहीं अपलोड करता हूँ।
तो बाकी मैं इस ब्लॉग को अपलोड करूंगा, दो ट्यूब ब्लॉग अपलोड कर दूँ बना के बनाने में जितना टाइम लगेगा, क्योंकि भाई मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ, उसके बाद मेरी ना 1 घंटे की और ट्यूशन क्लास भी देखनी पड़ती है मुझे, तो भाई मैं बहुत बिजी हूँ, एक साथ में दो काम देख रहा हूँ, तो वही टाइम मतलब मैं ना रोज़ शाम को ब्लॉग एडिट करके अपलोड करूँगा, क्योंकि भाई नेट भी बहुत जाता है ना वीडियो अपलोड करने में। तो बाकी मैं आप ब्लॉग देखो और बताओ कैसा लगता है, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे शायद, आई थिंक हमारा नेक्स्ट संडे का कोई प्लान नहीं है, लेकिन हमारा जो प्लान बनेगा अगले वाला वो बहुत बड़ा प्लान बनेगा, उसमें मोटा खर्चा जाएगा, तो थोड़ा पैसे इकट्ठे करेंगे, बाकी मिल